भारत के हर घर में एक बाइक या स्कूटी तो जरूर होती है, और भले ही आज देश में टू व्हीलर की तमाम कंपनियां आ गई हों, लेकिन इनमें हीरो के वाहनों की तो बात ही अलग है, क्योंकि इससे जुड़ा है मिडिल क्लास लोगों का विश्वास, जिसे कायम करने की शुरुआत आज से करीब 75 साल पहले हो चुकी थी। जी हाँ, देश की जानी मानी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना देश के बड़े कारोबारी डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने की थी, और आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर लाल का जन्म पंजाब के तोबा टेक सिंह जिले के कमलिया में हुआ था, वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने अपने 3 भाइयों के साथ भारत के अमृतसर में आकर हीरो मोटरसाइकिल्स की स्थापना की। शुरू में वो साइकिल के स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्हें साइकिल बनाने का लाइसेंस मिला, और उसके बाद शुरू हुआ हीरो का घर घर पहुंचने का सफर। 1975 तक हीरो सभी कंपनियों को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन गई, और इतना ही नहीं 1986 तक हीरो ने दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। हीरो साइकिल की सफलता के बाद डॉक्टर मुंजाल ने तेजी से पेट्रोल वाहनों की तरफ बढ़ रहे लोगों के रुझान को समझा, जिसके लिए उन्होंने एक दोपहिया वाहन कंपनी की स्थापना भी की, जिसका नाम हीरो मेजेस्टिक था। कंपनी उस समय मोपेड बनाती थी, लेकिन 1984 में जापानी कंपनी होंडा मोटर्स के साथ हुई साझेदारी ने इसको पूरी तरह से बदल दिया, और फिर 1985 में कंपनी ने अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CD100 लॉन्च की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद 1994 में लॉन्च हुई हीरो होंडा स्प्लेंडर ने तो कंपनी को अग्रणी दोपहिया वाहन कंपनी बना दिया। हीरो साइकिल्स की सफलता का राज ब्रिज मोहन लाल मुंजाल का व्यवहार ही था। माना जाता है कि वो अपने सभी डीलर्स और सप्लायर्स को नाम से जानते थे, और किसी के भी भुगतान में देरी नहीं करते थे। अब हीरो मोटोकॉर्प की बागडोर उनके बेटे पवन मुंजाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर संभाल रहे हैं, और पवन मुंजाल ने अपने पिता को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी 100th एनिवर्सरी पर फाउंडर्स राइड का आयोजन किया है। इसके तहत 100 राइडर्स 100 किलोमीटर तक बाइक चलाएंगे। कंपनी ने इस खास मौके पर और बहुत सी एक्टिविटीज का भी आयोजन किया। डॉक्टर लाल की सीख को आगे बढ़ाते हुए पवन मुंजाल ने कॉर्पोरेट जोनल ऑफिस और कंपनी के प्लांट्स पर ब्लड डोनेशन ड्राइव्स का आयोजन किया है। बता दें कि डॉक्टर ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने सिर्फ व्यापार की दुनिया में ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। उन्होंने स्वयंसेवी आध्यात्मिक संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी की स्थापना की, जिसका उद्घाटन साल 2001 में हुआ। इस अकेडमी ने उच्चतम मानकों को स्थापित किया और भारतीय नागरिकों को नैतिक मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता की प्रेरणा दी। उनके अपार योगदान को सम्मानित करने के लिए साल 2005 में भारत सरकार ने डॉक्टर ब्रिजमोहन लाल मुंजाल को पद्म भूषण से नवाजा। वहीं अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का कारोबार एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के 40 देशों में है। कंपनी के पास दुनिया भर में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसमें भारत में 6 और कोलंबिया और बांग्लादेश में 1-1 स्थित है, और ये दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी घरेलू मोटरसाइकिल बाजार में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ लीडिंग ऑटो कंपनी है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प की मार्केट कैप $581.59 बिलियन है। हीरो मोटोकॉर्प की साझेदारी पहले जापान की होंडा के साथ थी, लेकिन करीब 26 सालों तक चली ये साझेदारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी कारणों से खत्म हुई। बता दें कि डॉक्टर ब्रिजमोहन लाल मुंजाल का निधन बीमारी की वजह से 92 साल की उम्र में साल 2015 में हुआ, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनकी सोच, साहस और उद्यमी दृष्टिकोण प्रेरणा स्रोत बनता रहेगा।